नमस्कार साथियों, मैं हूं बनवारी सर, कोटा राजस्थान से। श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, अपनी सफलता को निश्चित करने के लिए श्री जी क्लासेज के ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आज ही जुड़े। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति विषय के बारे में। हम बात कर रहे थे और राजस्थान कला संस्कृति विषय में हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान में लोक संत, और लोक संतों में हम संत दादू जी के बारे में हम बात कर रहे थे। दादू जी का पार्ट वन हमने पिछली बार पढ़ा था, और पार्ट टू के बारे में यानी दादू जी के बारे में आगामी जानकारियों की बात हम करते हैं। तो दोस्तों, हमने वहाँ पर लिखा था, कुछ पॉइंट्स लिखे थे, और उन पॉइंट्स में आपको बताया गया था कि दादू जी के कुल 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे दादू जी के? कुल 152 शिष्य थे, और उन 152 शिष्यों में से 52 शिष्य जो थे वो सबसे प्रसिद्ध और प्रिय शिष्य थे, जिन्हें दादू जी के 52 स्तंभ कहा गया था। और उन 52 शिष्यों में से एक शिष्य थे भैया, जिनका नाम था रज्जब पठान, जो दादू जी के सबसे प्रिय शिष्य माने गए हैं। रज्जब पठान उनका नाम था, जो दादू जी के सबसे प्रिय शिष्य माने गए हैं। और जो रज्जब पठान थे, इन रज्जब पठान का संबंध सांगानेर से था। कहाँ से था साथियों? संबंध सांगानेर से था। और ये सांगानेर कहाँ पड़ता है? ये जयपुर में पड़ता है। और ये दादू जी के प्रिय शिष्य क्यों रहे? क्योंकि कहा जाता है कि दादू जी के उपदेश सुनने के बाद यह आजीवन अविवाहित रहे थे। आजीवन अविवाहित रहे थे, यानी दादू जी के उपदेश सुनने के बाद इन्होंने विवाह नहीं किया, और अविवाहित तो रहे ही थे, लेकिन दूल्हे की वेशभूषा में रहने वाले राजस्थान के एकमात्र लोक संत जो थे वो कौन थे? तो यहाँ पर रज्जब पठान के बारे में हम बात करें, तो रज्जब पठान के बारे में हमने लिख दिया भैया क्या? आजीवन आजीवन अविवाहित रहे। आजीवन क्या रहे भैया? ये अविवाहित रहे। कौन? दादू जी, ए रज्जब पठान, जो दादू जी के क्या थे भैया? शिष्य थे। आजीवन अविवाहित रहे, और दूसरी बात, आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहे। आजीवन कैसे रहे? दूल्हे की वेशभूषा में रहे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहने वाले जो लोक संत थे वो कौन थे भैया? तो वो हमारे रज्जब पठान थे, जो किसके शिष्य थे? दादू जी महाराज के शिष्य थे। ठीक, तो आगे जब हम बात करते हैं संत दादू जी के बारे में, हम बात कर रहे हैं दादू जी के बारे में। आपको बताया था कि दादू जी निर्गुण भक्ति धारा को मानते हैं। क्यों? क्योंकि कबीर दास जी के एक शिष्य हुए थे, जिनका नाम था वृंदावन जी, ब्रह्मानंद जी या बुड्ढन जी, और उन्हीं के ही शिष्य माने गए थे। कौन? दादू जी। इसलिए दादू जी विशेष रूप से निर्गुण भक्ति धारा को मानते थे। आगे बात करें हमारे दादू जी के बारे में, तो दादू जी के बारे में जब बात की जाती है, तो दादू जी जो थे इन्होंने एक स्थान जिसका नाम था नरेणा, या फिर एक स्थान इसी को ही नारायणा के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पड़ता है भैया? ये जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। और इस स्थान पर दादू जी ने दादू संप्रदाय की स्थापना की थी, और इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। कौन से स्थान पर? नरेणा या नारायणा, जयपुर में। ये दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ के नाम से जानी जाती है। रहने वाले मूल रूप से कहाँ के बताए जाते हैं? गुजरात के बताए जाते हैं। अहमदाबाद से इनका संबंध माना जाता है, लेकिन क्या है कि ये राजस्थान में आए भैया। कहाँ पर? जयपुर में आए। और गुजराती भाषा जो है उसी भाषा से एक भाषा निकलकर बाद में आती है, जिसे डूंडाड़ी के नाम से जाना जाता है। और आपने सुना कि गुजराती भाषा में भी 6 शब्द का उच्चारण ज़्यादा होता है, जिसमें बोलते केम छे मजा में छो, वैसे ही जो शाहपुरा जयपुर वाली है वहाँ कटे जा रहे छे वगैरह भाषाओं का शब्दों का उच्चारण किया जाता है। हमारे हाड़ौती क्षेत्र में भी 6 शब्द का उच्चारण अधिक होता है, जिसे बोलते ना काई कर रहे छे। तो कुल मिला के 6 शब्द का उच्चारण जो है वो डूंडाड़ी में होता है। दादू जी आए गुजरात से थे, और डूंडाड़ी और गुजराती में ज़्यादा अंतर विशेष रूप से दिखाई नहीं देता, इसलिए इनको ये भाषा काफ़ी आसान लगी। यानी दादू जी की जो भाषा थी वो डूंडाड़ी थी। दादू जी की भाषा के बारे में हम बात करें, तो दादू जी की भाषा क्या थी भैया? डूंडाड़ी थी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि दादू जी की जो जानकारी यहाँ मिलेगी अपने को, वो कौन सी भाषा में मिलेगी? डूंडाड़ी भाषा में मिलेगी। कौन सी भाषा में मिलेगी? डूंडाड़ी भाषा में मिलेगी। और इस डूंडाड़ी भाषा के बारे में जब हम बात करते हैं,
तो एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है दादूरा दुहा। क्या नाम है ग्रंथ का? दादूरा दुहा। और ये दादूरा दुहा जो ग्रंथ है ये अपने को जिस भाषा में मिलेगा उसे ढूंढाड़ी भाषा कहा जाता है। ढूंढाड़ी भाषा जयपुर क्षेत्र में विशेष रूप से बोली जाती है। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन एक टीला प्राप्त हुआ जिसे ढूंढ नाम दिया गया था, अतः इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम ढूंढाड़ी कहते हैं। और यहाँ पर जो भाषा है उसको झाड़साई भाषा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो जयपुर आमेर वाला क्षेत्र है वहाँ के रियासतों में राजाओं के द्वारा चलाए गए सिक्के जो है उन्हें भी झाड़साई के नाम से जाना जाता था। तो भाषा जो है वो कौन सी मिलेगी? ढूंढाड़ी मिलेगी। तो दादूरा दुहा और एक ग्रंथ और है भैया दादूरी वाणी। तो ये दोनों ग्रंथ जो है ये लिखे गए कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए। मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? ये गुजरात के हैं, लेकिन इनकी भाषा जो है कौन सी मिलेगी राजस्थान में? ढूंढाड़ी मिलेगी। कौन से लोक संत की बात कर रहे हैं हम? संत दादू जी की बात कर रहे हैं। कौन से संत की बात कर रहे हैं? संत दादू जी की बात कर रहे हैं। दादू जी के बारे में कहा जाता है कि 1585 में, 1585 का समय है और 1585 में एक राजा जिसे हम भारतीय इतिहास में अकबर के नाम से जानते हैं, तो 1585 में अकबर ने आग्रह किया किससे? संत दादू जी से। कुछ मैसेज, कुछ संदेश इनको भिजवाए और दादू जी अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में गए। अकबर से मिलने के लिए कहाँ गए? फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में गए। यानी 1585 में, कब की बात है ये? 1585 में, 1585 में दादू जी, 1585 में दादू जी अकबर से मिलने के लिए, किससे मिलने के लिए? अकबर से मिलने के लिए, अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी, अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी आगरा, फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश गए थे। कहाँ गए थे? फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश गए थे। कौन से संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं? दादू संप्रदाय की बात कर रहे हैं। कौन से संप्रदाय की बात कर रहे हैं? दादू संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं। आपको बताया गया था कि दादू जी के सभी कार्य जो है वो कौन से लोक संत से मिलते जुलते हैं? कबीर दास जी से मिलते जुलते हैं, इसलिए राजस्थान में कबीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? दादू जी को जाना जाता है। यानी संत दादू जी को राजस्थान का कबीर या कलयुग का कबीर भी कहा जाता है। राजस्थान का कबीर या क्या कहा जाता है भैया? कलयुग का कबीर भी कहा जाता है। यानी कलयुग का कबीर या राजस्थान का कबीर जिसे हम कहेंगे वो कौन है? तो वो दादू जी महाराज है। कौन है वो? दादू जी महाराज है। और इन्हीं दादू जी महाराज के बारे में जब हम आगे बात करें तो यहाँ पर हमने प्रारंभ में लिख दिया भैया कि सबसे पहले हमने ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है रज्जब पठान। और रज्जब पठान के बारे में जब बात करते हैं तो आपसे कहा गया कि जो रज्जब पठान थे इनका संबंध कहाँ से मानते हैं? हम सांगानेर से मानते हैं। और सांगानेर में आपको बताया कि जो रज्जब पठान है इनकी वर्तमान में प्रधान पीठ है, इन्हें पठान बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है? पठान बाबा के नाम से भी जाना जाता है। हंसी मजाक और मुस्कुराते हुए प्रवृत्ति में हमेशा जो लोक संत राजस्थान में मिलते हैं उन्हें बाबा पठान के नाम से जानते हैं। और ये बाबा पठान और कोई नहीं है साथियों, ये बाबा पठान कौन है? ये बाबा पठान रज्जब पठान है, जो उपदेश सुन करके कहाँ नहीं गए? विवाह करने के लिए नहीं गए। और राजस्थान में इन्हें हम किस रूप में पूजते हैं? पठान बाबा के रूप में या दूल्हे के रूप में पूजे जाते हैं। कौन है ये लोक संत? ये संत दादू जी है। तो यहाँ पर हम दादू जी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आगे लिखा भैया नरेणा नरेणा जयपुरी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। भाषा इनकी ढूंढाड़ी है। दादूरा दुहा और दादूरी वाणी जो है इस ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। 1585 में दादू जी अकबर से मिलने के लिए कहाँ गए थे? फतेहपुर सीकरी गए थे, आगरा उत्तर प्रदेश में। और इन्हें हम राजस्थान का कबीर या कलयुग का कबीर भी कहते हैं। आगे बात करें तो दादू जी जो है इनके संप्रदाय को बाद में कुछ लोगों ने प्रचार के रूप में अपनाया, जिनमें खालसा, विरक्त, नागा, खाकी जैसे कई नाम आते हैं। और उनके बारे में जब आगे और चर्चा की जाए
तो नागा जो इनका संप्रदाय था द्वितीय विश्व युद्ध के समय उसमें जो अखाड़े में लड़ने वाले पहलवान थे, तो अंग्रेजों ने उनसे जर्मनी जाने के लिए कहा था कि हमारे साथ युद्ध में भाग लीजिए, तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों से इनकार कर दिया गया तो धीरे 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 इस संप्रदाय की जो स्थान थे, जो भाग थे, उन्हें तोड़ दिया गया था। तो वो कौन सा संप्रदाय था? नागा इसी का ही भाग है, जिसकी बात हम आगे करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए थोड़ी सी जानकारी, अभी मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर आ रहा हूँ, फिर कुछ समय बाद अपने वीडियो जो है वो 40 मिनट और एक घंटे के धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।